So hello and good morning everyone. Actually not good morning, it's good afternoon everyone. So आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा. तो एक्चुअली ना ये मैं बहुत पहले करने वाली थी, लेकिन मुझे तपन ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि नहीं करना ये सब. सब हर कोई ग्रोसरी शॉपिंग करता है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो तुमको करने की ज़रूरत नहीं है. तो फिर मैंने भी सोचा था हाँ क्या दिखाना ग्रोसरी शॉपिंग. नहीं अभी मैं क्या ही दिखाऊँ यार, मैं अभी ब्लॉग्स बना दी हूँ, कुछ ना कुछ घर का दिखाती हूँ, तो ग्रोसरी भी दिखा देती हूँ. जब हम लोग गुवाहाटी छोड़ के चले जाएंगे तो बाद में बच्चे लोग देखेंगे कि हम लोग गुवाहाटी में ऐसे ग्रोसरी शॉपिंग करते थे. शायद वहाँ भी वैसे ही करें, लेकिन पता नहीं, बोल नहीं सकते. जो भी हो, तो ऐसे ही मैं बना रही हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखना, अगर अच्छा नहीं लगे तो स्किप कर देना. एंड हमारा क्या होता है ना, महीना में अगर सैलरी आ गया तो सबसे पहले हमारा यही एक काम होता है कि अगरबत्ती से लेके, बाथरूम के सामान से लेके, फेस केयर रूटीन से लेके. हे व्हाट हैपेंड, किसको बुला रहे हैं? गुड़िया. अद्वु मुझे पीछे से गुड़िया गुड़िया बुला रहे. भैया अद्विक भैया बदमाश हो गया ये बहुत. तो इसलिए एंड क्या ही दिखाऊँ ना मैं. देखो क्राफ्ट तो हमेशा बनता नहीं है. ऊपर अद्विक को लेके अभी अद्विक और चंचल, जितना बड़ा हो रहा है उतना चंचल हो रहा है. हेलो अद्विक. नाना नाना पहन के कहाँ जाएगा? कहाँ चंचल? तो चलिए चलिए मैं आगे वीडियो को बढ़ाती हूँ. सबसे पहले बनाऊंगी मैं अपना लिस्ट ऐसे कागज पे, जो क्योंकि मैं भूल जाती हूँ वहाँ जाने के बाद में, बहुत कुछ देखने के बाद में मैं भूल जाती हूँ. तो बनाऊंगी मैं ऐसे कागज़ में थोड़ा सा लिस्ट, जो बेसिक किचन का जो मसाला वसाला है वो छोटा छोटा चीज़ में भूल जाती हूँ उसको बनाऊंगी. एंड रेडी होंगी फिर आपको लेके चलूंगी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग पे. सो स्टे ट्यून. सिंपल सा ब्लू जीन्स डाल दिए, बैग ले लिया है, टी शर्ट पहन लिया है, बस और क्या चाहिए. तो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी में क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है. तो पहले जब गाड़ी रहता था ना तो हम गाड़ी में जाते थे, सामान खुद लेके आते थे. अब क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हाँ बम बोले जाए, तो अब हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो वो जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं हम लोग होम डिलीवरी दे देते, तो हमको फिर जाके वहाँ पर सामान उठाना होते और ये होम डिलीवरी हमारे घर पर वो पहुँचा देते. प्लेस वेयर वी कम फॉर अवर ग्रोसरी शॉपिंग. बहुत जगह ट्राई किया बट दिस इज माई वेरी फेवरेट प्लेस. सब कुछ मिल जाता है छोटा छोटा होके भी. हाँ दे दो ना उसको एक नौ दिन ना. तो बाबा अद्वित ने यहाँ से एक किंडर जॉय भी खा लिया है. हाँ उसके पास उसने एक जेम्स भी, मतलब आज अद्विक शॉपिंग करेंगे. हाँ डालो उसको बास्केट में. हाँ चलो अब क्या क्या डालते. हाँ और क्या डालते? कैंडी. कैंडी. हाँ कैंडी तो कोई सिखाया नहीं है कैंडी. हाँ क्या डाले? अच्छा माँ के रखिए. हाँ पापा लेट लेट हिम. हाँ दीदी मतलब क्या नहीं सब. लेकिन अरे एक मैं रखता फिर घर में करो बेटा, अब रखने पसंद नहीं थे. ये क्या हो? तो क्या हो? यो यो क्या हो? अच्छा जी ना मुझे एवटा एवटा वन रख तो रख. आई जा भा. वो सोच रहे वो सब लेके जाएगा हम लोग ना, आप खरीदेगा उसके लिए. अदु भाई अदु के भा. अभी का तो ये जस्ट ट्रायल था. उसने वो क्या कहते हैं वो, उसको लगा कि वो अपना सामान लेने के लिए आया, लेकिन उसमें से हम लोग बहुत सारी चीज़ नहीं लेंगे, एक दो चीज़ें ले लेंगे. अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना बाजार करना, मतलब वैसा ही लेना. तो
तो मैंने अभी यहाँ पे अपना शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, मसाला से शुरू किया, क्योंकि ना मसाला में ही कुछ ना कुछ रह जाता है, बाकी चीज़ तो याद रहता है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैकेट होता है तो आँख में दिख जाता है, एंड कुछ कुछ रहने से भी ना बाकी इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, किचन का सामान पूरा आ जाना चाहिए, मतलब मसाला वसला आ जाना चाहिए, एंड एक छोटा छोटा मसाला को बोलने के लिए भी मैं भूल जाती हूँ। सो जो भी हो, तो मैंने यहाँ पे अभी अपना शॉपिंग शुरू कर दिया है, एंड तपन अद्वी को लेके दूसरे साइड पे गए हैं, वो वहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं, तो क्या होता है ना जल्दी हो जाता है डिवाइड होने से, एंड अद्वी को मैं बहुत दिन के बाद लेके आई थी, मतलब वो बहुत छोटा था, गोदी में था या तो चल नहीं आता था, तब उसको लेके आई थी, एंड यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ के जो स्टाफ है वो आराम से बच्चे को भी देख देते हैं, अभी अद्वी थोड़ा बड़ा हो गया तो उनके साथ नहीं मान रहा था, वो मेरे और तपन के पीछे पीछे घूम रहा था। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आती हूँ, मैंने बहुत जगह ट्राई किया नॉर्मल दुकान से, आजकल तो दुकान से मन नहीं होता क्योंकि बहुत गर्मी होती है, आपको रुकना पड़ता है अपने टर्न के लिए, फिर वेट करो ऐसा ना, यहाँ पे क्या होता है कि एसी है, एक तो बच्चे को लेकर आने में बहुत ही ईजी है, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ से होम डिलीवरी हो जाती है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तपन नहीं होते हैं जब मैं ग्रोसरी मेरा लेने का टाइम होता है, तो यहाँ पर आके मैं बस सामान उठा देती हूँ, इन लोग आराम से घर पर पहुँचा देते हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता, फ्री डिलीवरी है, तो यही है। एंड ये और एक इसका जो सेकेंड मतलब मैं इसलिए यहाँ पर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना सब कुछ मिलता है आपको, ऐसे मसाला भी अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपको वैरायटी मिल जाएगा, MDH, टाटा ऑर्गेनिक, पतंजलि, ये सारा आपको मिल जाएगा, तो आप अपने मर्जी से ले सकते हो, हर चीज़ में आपको वैरायटी मिल जाएगा, क्वालिटी भी अभी तक तो हम लोग को ऐसा कुछ कंप्लेन आया नहीं है, फिर भी हम अपना डेट वेट जो देखने का खाने में तो डेट वेट हम लोग देख ही लेते हैं एक्सपायर कब है क्या है, तो वैसे करके हम लेते हैं। एंड यहाँ पे सब कुछ है, जैसे कि आपको पान मसाला से लेके जो किचन का आइटम मेन बेसिक जो चीज़ है वो, और उसमें वैरायटी मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको मिल जाएगा गिफ्ट आइटम, आपको बेकिंग का आइटम, आपको फ्रोजन का चीज़ मिल जाएगा, आइसक्रीम से लेके जो फ्रोजन बाकी जो होते हैं, मोमो हो गया आपका, फ्रेंच फ्राई हो गया, ऐसा कुछ भी आइटम है फ्रोजन में जो भी है उसमें आपको वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि स्टेशनरी मैंने बताया यहाँ पे, नोटबुक, ड्राइंग बुक, आपको पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ जो आप गिफ्ट भी कर सकते हो, खुद के लिए बच्चे के लिए भी ले सकते हो, ये सब आपको मिल जाएगा, यूटेंसिल्स आपको मिल जाएंगे, स्टील के, ग्लास के, प्लास्टिक के आपको मिल जाएंगे, कोरियन नूडल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आसपास बहुत सारी दुकान में नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है, तो वैसे ही है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और तीसरी बात है कि मेरे घर से बहुत ही पास है, मतलब मैं अकेले भी मतलब आके आराम से शॉपिंग करके जा सकती हूँ, बेबी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, सब कुछ कॉस्मेटिक आपको मिल जाएगा, तो ग्रोसरी में मेरा कॉस्मेटिक भी उठ जाता है, तो वो एक अलग से दुकान में जाने का टेंशन नहीं रहता है, तो ऐसे ही करके मैंने, तपन ने, एन अद्विक ने मिलके अपना शॉपिंग कंप्लीट किया। अद्विक को तो पूरा लास्ट मोमेंट तक लगा था कि उसने जो अपने बास्केट में सामान उठाया है वो लेके ही जाएगा, लेकिन हम लोग उसमें से बहुत सारा चीज़ हटा देंगे, जो एकदम एक एक चीज़ या फिर चॉकलेट में कुछ एक या जूस में कुछ एक, ऐसे ही हम लोग उसके लिए लेके जाएंगे, तो वैसे करके हम लोग ने अपना ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ पे किया एंड आपके साथ मैंने शेयर किया, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काम बड़ा तुम्हें बाय बन কি খাই আদুলে আইসক্রিম কষ্ট থিও কষ্ট থিও सो क्योंकि अद्वी एकदम बचपन से यहाँ पे गया है ना, यहाँ के स्टाफ लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, एंड इसने एक आइसक्रीम खाया था यो यो करके, मतलब एक हाथ में पकाते वहाँ गिरता उसको साफ कर देता है, दीदी को परेशान कर दिया था, एंड अभी वो और एक आइसक्रीम खाने के लिए जिद कर रहे हैं, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग पैकेट एक दिखा रहे हैं कि चलो घर पर खाना है यहाँ पर आइसक्रीम, तो ऐसे झूठ बोल के हम उसको लेके चले गए। बाय बंदे, दीदी बाय बंदे, चलो आई थी तो
काम खत्म, पता नहीं क्या कितना वीडियो किया मुझे पता ही नहीं चला सामान उठा के टाइम में, तो ये लोग डिलीवरी दे देंगे। हम लोग जाते वक्त थोड़ा कुछ कुछ सामान है लेके ही जाएंगे, अभी बार बार निकलने का नहीं है। अभी के पापा निकालेंगे धन्नो। तो अभी हम आए हैं अंडा लेने, क्योंकि अभी की क्या है हाँ ना छू ना छू ना छू डोंट टच। तो अंडा लेने के बाद हम लोग आए मिठाई की दुकान पे, क्योंकि ऐसा टाइम ऐसा हो गया था कि कुछ खाने को मन था बाहर में, लेकिन इतनी गर्मी थी ना तो बाहर नहीं खा के हम लोग ने सोचा कि चलो मिठाई विठाई लेके जाते घर पे, एक चाय बना के पी लेते। तो दूध मिठाई लेके हम लोग गए घर, एंड यहाँ पे ना दूध यहाँ पे भी आइसक्रीम का वो मतलब होता है ना आइसक्रीम का वो बॉक्स देख के वो बोल रहा था कि माँ आइसक्रीम दे दो, तो बहुत ही प्यारा सा चेहरा बना के यहाँ पे खड़ा था, लेकिन हम लोग ने उसको नहीं दिया क्योंकि बाप रे एक दिन में एक आइसक्रीम काफ़ी होता है। घर आ गए हैं, अभी मैं फटाफट से चेंज करूँगी, एंड सामान जितना है वो सकल कर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने आज ना एक्चुअली मेरा भांजा है आपको पता ही होगा सुनो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो मैंने उसको आज डिनर पे इनवाइट किया, उसको मतलब मुन्ना दी लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन सिर्फ सुनू के लिए, ये मुन्ना दी लोगों को सोच के ध्यान में रखा है, सुनू को सोच के रखा है वो, उसको उसका राइस एंड चिकन बहुत फेवरेट है, लाइक राइस मतलब पुलाव बिरयानी कुछ भी ऐसा टाइप का, प्लेन राइस नहीं तो ऐसा कुछ पसंद है। तो मैंने तपन भी है अभी घर पे, तो मैंने बोला कि वाई नॉट, मामी हूँ तो इतना तो बनता है वेकेशन में, वो मामी के घर पे खाना वाना खाना, उसके बाद दिल्ली जा रही है मायके मतलब मेरे ससुराल, तो फिर बहुत दिन हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो दी लोग आएंगे अभी, उससे पहले मैं सारा सामान वामान ठीक ठाक कर लूँगी ताकि मुझे ईजी हो जाए कल के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे, बाय बाय। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, एंड अभी हम लोग पी रहे हैं सबसे पहले चाय एंड मिठाई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेरा काम था उसको ख़त्म किया, नहाया वहाया एंड आराम से मैं और दीदी एसी ऑन करके बैठ गए क्योंकि बहुत गर्मी थी, एंड आज का डिनर जो है वो मेरे पति देव बना रहे थे, सो मेरा आज रेस्ट डे था। दिस इज माय वर्क, सुंदर सा हाथ में सुंदर सुंदर से हो गया, अभी हाथ भी सुंदर है, सुंदर है ना, ये तो कैसे दिख रही है, अभी स्किन में लग गया थोड़ा सा, ये स्किन में ना है क्या पता, 20 किलो। सो मेरे पति देव ने यहाँ पे बिरयानी बना दिया है, सुनो सुबह राइस, ये चिकन मैंने सुबह बनाया था, एंड यहाँ पे अंडा बॉईल कर दिया, अब मैं बनाऊंगी रायता, लाइक दिस वेरी वाइज। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्पून अच्छे से पकड़ो, स्पून अच्छे से पकड़ो, हाँ हाँ खाओ। कैसा है सुनो? बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। खाने खा के ख़त्म होने के बाद तपन मामा को थैंक यू बोलना, ठीक है? ओके ठीक है।